ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 19 अक्टूबर 2021 के। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की धारणा करने के लिए हम बच्चों को उच्च टाइटल देते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाए के लिए पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएंगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज मुरली में गीत हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राज योग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवताओं ने राजयोग से राज्य पद पाया है अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना? बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने? यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे आने वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना? कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाते हैं वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो है नहीं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे।
संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर हैं। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाई प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, अभी बहन भाई को राखी बांधती हैं, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई भी बुलाते नहीं, वह है ही राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्होंने हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितने वैरायटी हैं हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती हैं, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही हो जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी ही करते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद में निकलती है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है। उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। जाड़ में भी दिखाते हैं ना, तो हठ योग और राज योग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह जट जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है।
तुम ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है। जुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेंगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसे तब किसके लिए हैं। बाप कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चलो वतन की ओर। घर जाकर फिर आई राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है, इनको मनुष्य ही जान सकते। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं, वहाँ सतयुग में तो तुम सारे विश्व के मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाप से विश्व की बादशाही लेते हो, फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उस ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन है? ऐसे कोई प्रश्न पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पिछाड़ी चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे, खुदा की भावी। बच्चा मिला, बहुत खुशी होंगी।
अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी, इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नग्न करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है, इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती, उन्हों का नाम ही रखा हुआ है सुपर्णखा पुतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरा संधि, शिशुपाल, यह सब विनाश को पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं, यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच हैं, काम महाशत्रु हैं, हर एक चित्र में पहले ही यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता का ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, बॉम्बे में बबूरी नाथ का भी मंदिर है, अब बबूरी कहा जाता है कांटों को। बाबूरी नाथ का नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है, चित्र तो शिव बाबा का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ भी काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर, थोड़े समय के बाद यह अर्थक्वेक आदि हो सब डवाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है सो फिर इन आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सदगति हो न सके, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा मीठे मीठे सकल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। आज दादी प्रकाशमणि जी के साथ के अनुभवों को लेकर हम सबके बीच में है आदरणीय आत्म प्रकाश भाई मधुबन ज्ञान अमृत विभाग से, जो स्वयं कुशल लेखक है, जिन्होंने 1957 से बाबा की विशेष सेवाओं का कारोबार संभाला है। सुनते हैं उनके विशेष जीवंत संग स्मरण दादी जी के साथ के आरजे श्री निधि भाई के साथ। सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम शांति।